जय द्वारकाधीश, जयकार भैरव। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टैरो है एंड वी गॉट रिलेशनशिप एंड हम कह सकते हैं कि भाई वर्ल्डली मैसेजेस विद अस, ठीक है। ये है दूसरा ओरैकल और ये है फर्स्ट ओरैकल। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, आज सेटअप बदला हुआ है सो आई कैन नॉट सी इन द कैमरा इटसेल्फ कि भाई क्या दिख रहा है क्या नहीं। ओके चलो ये कितने कार्ड आ गए देखते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्ड आ गए। चलो हम दो कार्ड और चुनते हैं, ठीक है। रात के वक्त के लिए हमें क्या रीडिंग मिलती है? यस, तीन कार्ड आ गए, चलो लेते हैं तीन कार्ड, ठीक है। लेट्स हैव फन इन दिस सेशन, ठीक है। सो आई एम पुटिंग ओवर हियर, आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा में देखता हूँ यहाँ पे। ओके यस, आज बारिश भी हुई हमारे यहाँ पे, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। आई थिंक नाउ यू कुड सी दैट, ठीक है। सो मेरा माइक एक जगह पे है एंड कैमरा अलग जगह पे है, सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड, एंड भाई जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी सी ओवर हियर कि भाई कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन के लिए पर्सन थोड़ा सा इतराएगा ज़रूर। ओके हाँ, ये दिल से चाह रहा है कि आप उनसे बातचीत करें। हालांकि आई थिंक ये कहीं ना कहीं उनकी दिली ख्वाहिश है बहुत दिनों से, यू शुड कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, कनेक्ट करें एंड बातें करें। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप क्यों नहीं प्रथम स्थान पे कम्युनिकेट कर रहे हो? ओके अगर बार बार आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन खुद कम्युनिकेट करेगा, नंबर डायल करेगा कैमरा मोबाइल पर कि वाई डोंट यू मैसेज मी, नहीं। आई थिंक ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वाई डजेंट इट हैपन फ्रॉम योर साइड फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक ये उनका पहला क्वेश्चन हो सकता है टुवर्ड्स यू। सेकेंडली आई थिंक वो आपसे कुछ रोमांटिक टेक्स्ट पाना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट से कि बहुत ही फ्रेजल या बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक या फिर एरोटिक, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है तो आप एक थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा पैशनेट मैसेज इनको कर सकते हैं, ठीक है। अगर इमोजी भेजनी तो वो भी भेज सकते हैं। लाइक वाइज मे बी ये पर्सन इमेजिन कर रहा होगा कि लास्ट आपने कब किस किया था, फिर लास्ट आपने कब ऐसी बातें की थी जो थोड़ी सी रोमांटिक हो, ठीक है। बिकॉज देखो हर कपल की एक रियल अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो मे बी कोई व्यक्ति, यू नो मे बी यू आर आउट ऑफ वरीज, कोई भी वरी नहीं है आपको, कोई भी चिंता नहीं, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसको कल की चिंता है कि भाई कल कितने पैसे मिलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे मुझे रेंट भरना है, या फिर लाइट बिल भरना है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई हॉस्पिटल में है, या फिर कोई और चिंता। तो यू नो कि हर एक के लिए फिर अलग अलग सिचुएशन बन जाती है। ओके सो इसीलिए ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो आपको रेजोनेट होता है वो आप कनेक्ट कर लीजिए। नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन ओवर हियर। और अगर आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी दिनों से या महीनों से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, तो पहले स्थान पे आई थिंक ये आ रहा है कि व्हाई डोंट यू कम्युनिकेट फर्स्ट। ओके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपने स्टार्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है और आपको बोल रहा है कि यस गो एंड कम्युनिकेट, किस बात के लिए रुके हो, तो हाँ कम्युनिकेशन कर लीजिए एंड ये पर्सन फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। देगा या नहीं देगा वो उसके ऊपर डिपेंड है, हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिटरली आपने वो मैसेज किया जो इनके दिल को छू जाए तो वो डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जिसके बारे में मैं कह रहा था ये कार्ड बिल्कुल वैसा ही है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये मिट्टी तत्व अर्थ साइन है। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन कोई फिक्स्ड माइंड सेट में है, फिक्स माइंड सेट। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो यू नो अपनी जो थिंकिंग है वो किसी भी हालत में नहीं बदलते, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या आप दोनों ने एक जैसे परिस्थितियों का सामना किया है, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, मे बी आपकी करंट सिचुएशन का हल शायद आपके पास में हो, के पास में शायद उन्होंने आपको प्रपोज़ किया होगा, या फिर उन्हें आपको कुछ कहा होगा रोमांटिक और आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया होगा, और अब जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे ये तो प्यार जैसा लग रहा है, फिर प्यार है, तब वो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यू नो जब किसी को चोट लगती है, या फिर किसी के हिसाब से भाई मेरे टाइम तो तुमने नहीं किया था तो मैं क्यों करूँ अब, यू नो वो भी कहीं ना कहीं इशू यहाँ पे दिखता है। ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, सो जितना आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट करता है, यू शुड जस्ट टेक इट। नाउ जस्टिस लिब्रा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा क्योंकि ये अर्थ साइन है तो बहुत ही फिक्स्ड माइंडसेट होता है उनका। जस्टिस का मतलब क्या है? अब देखो जैसे कि आपका कहना है कि उस वक्त उन्होंने यू नो रिस्पॉन्स दिया था, अब क्यों नहीं देते? ओके तो जस्टिस जिस तरह से होता है, कई बार हम खुद क्वेश्चन में पड़ जाते हैं
बिकॉज हमेशा हमें लगता है कि हम सही हैं, राइट? बट वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइफ फर्स्ट, ठीक है? जस्टिस का मतलब है कि आपको एक सही एंगल से देखना है जिंदगी को, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। क्या जस्टिस हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, यू नो? जैसे कि जो 22 कार्ड है मेजर अरकाना के, जिसमें टावर भी है, यू नो, अब जस्टिस आ गया, जिसमें द फूल भी है, मैजिशियन भी है, तो जस्टिस क्यों आ गया यहाँ पे? मे बी आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन ने जस्टिस करना चाहिए, या फिर ये पर्सन खुद वेट कर रहा है कि आप जस्टिस क्यों नहीं करते। समझ में आ रही है बात? अगर आप खुद के ऊपर क्वेश्चन ले लेंगे तो आपके हिसाब से दिस पर्सन शुड मेक अ मूव। अगर हम उसके हिसाब से ये सवाल लेते तो भाई आप क्यों नहीं मूव करते, मैंने तो इतने सारे जवाब दिए थे। तो KBC यहाँ पे खेला जा रहा है, कभी आप बन रहे हैं एंकर, कभी वो एंकर बन रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है द एम्परर एरीज। एरीज अगेन द पावर सिंबल ओवर हियर। पावर सिंबल क्या रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे यस मैं क्यों, भाई मैं क्यों शुरू कर। ओके, जैसे कि मान लो गुब्बारे, मैं क्यों फुलाना शुरू कर गुब्बारे, आप फुलाओ। वो बात हो रही है यहाँ पे। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन, यू नो, देखो अगर हम एम्परर को डायरेक्टली देखें तो दिन भर वो अपने अपने काम करता है, चाहे लोगों से मिलना हो, अपना काम करना हो, बिजनेस हो, जो भी हो। रात का ही ऐसा वक्त है जब वो चैन की नींद सोता है और जो उसके प्रियजन है, परिजन है, उनके साथ समय बिताता है। सो यस, अभी रात का समय है, तो हाँ ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन एम्परर का ये भी फ़र्ज़ होता है कि वो दिखाए ना कि वो क्या सोच रहा है, तो मे बी आपको नहीं एग्जैक्टली पता चल रहा कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यू नो। एंड मोस्टली कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बताते कि वो क्या सोच रहे हैं, फिर कितना डीप सोच रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है? ये उनकी आदत होती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 10 of Swords। क्या एंड ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं, यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ये व्यक्ति फेस कर रहा है, ठीक है? शायद उसको एक नए सिरे से शुरू करना है, या फिर एक बहुत ही हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन ये चाहता है, ठीक है? 10 of Swords मतलब अगर आप उनसे कोई स्पेसिफिक जवाब ढूंढ रहे तो शायद वो जवाब नहीं देने वाले फिलहाल, तो यू नो, या तो हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई जवाब है ही नहीं, या फिर अगर वो जवाब देना भी चाहते हैं आप वो जवाब लेना नहीं चाहते, यू नो, दैट इज़ द मेन। जैसे कि मान लो पेमेंट करनी है, पेमेंट गेटवे बंद है, पेटीएम बंद है, फ़ोनपे बंद है, नेटवर्क ही बंद है, तो क्या करोगे, अब कैसे पेमेंट करोगे? और कैश है नहीं तो क्या करेंगे? दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। यस, एक न्यू करंट बिगिनिंग। हम करंट मैंने बिगिनिंग कहा, मतलब हाँ एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। मतलब आपको बुके देना है किसी को, लेकिन छोटा सा फूल ही मिल रहा है, तो हाँ क्यों नहीं शुरुआत करें। तो हाँ एक हल्की फुल्की शुरुआत, एक हल्का फुल्का मैसेज आप कर सकते हो, रिस्पांस भी आपको बहुत ही इजी या सुंदर मिल सकता है इन रिटर्न, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है? हैंग्ड मैन का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो फाइनल कार्ड है वही पेज ऑफ वॉन्स की। दिल में तो जज्बात हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जज्बात, अगर हम दोनों की बात करें, आपकी और उस पर्सन की भी, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि आज नहीं कल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हैंग्ड मैन का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने इस विचार को पैक करके बॉक्स में रखना, और ये बॉक्स छुपाए रखना, कहना कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे बॉक्स रखा है, कल देखेंगे बॉक्स ढूंढते हैं। वो हो रहा है आप दोनों के साथ। ख्वाहिशें हैं, आई थिंक वो सपने देख रहे हैं विथ यू, रोमांटिक हो जो भी हो सपने वो हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ही इस बात को समझें और अंडरस्टैंड करें। अब देखते हैं ये जो नेक्स्ट हैं, जो कि भाई दिस रिलेशनशिप ओरैकल एंड वर्ल्डली ओरैकल, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ, वाओ, चलो, और ये आ गया फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है? तो हम 6 कार्ड लेंगे एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी सी ओवर हियर, ठीक है? 7 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट वन ओके ओवर हियर इज मैसेज। तो हाँ कहीं ना कहीं आप दोनों को ही शायद मैसेज का इंतज़ार है। आई थिंक आप दोनों ही मैसेज का वेट कर रहे हो कि या तो ये मैसेज करेंगे ऐसा आपको लग रहा है, और आपने भी शायद फिक्स्ड माइंडसेट रखा है, ओके, जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जैसा होता है। हालांकि अगर आपका साइन जो है वो अगर कप्स का साइन है, कि भाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो मे बी आप इमोशंस में उथल फुथल बहुत हो रही है, आप कह रहे हैं कि हाँ करती हूँ, नहीं करती हूँ, करता हूँ, नहीं करता हूँ, यू नो, जस्ट मतलब दिल नहीं मान रहा है जो भी आप कह रहे हैं। अगर मैसेज करने भी जा रहे हो तो भी दिल कह रहा है क्यों, मैं क्यों मैसेज करूंगा,
और अगर नहीं करो तो मैं क्यों नहीं मैसेज करूँ, मुझे ही करना होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं इस द्वंद्व में आप दोनों फंसे हुए हैं। सेकंड जो कार्ड है वो होल्ड माय हैंड, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आई थिंक आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने कहीं से भी आना चाहिए, चाहे फिर उड़कर आए या फिर टेलीपैथिकली आए, एंड समवेयर यू शुड गेट दिस फीलिंग कि आपका हाथ छू रहे हैं, आपको चूम रहे, यू नो दैट शुड बी द फीलिंग ओवर देयर। आई थिंक आप में से किसी को ये फीलिंग हो भी सकती है कि सडनली वो आपके पास आ रहे हैं, समबडी हैज़ किस्ड यू, समबडी हैज़ टच योर हैंड, ओके। शायद ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है, ये थोड़ी सी एंग्जाइटी की फीलिंग है, एंड कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार वर्ड्स से एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आप इमेजिन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे फील कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका टेलीकिनेटिकली अगर कनेक्शन हो रहा है, देन बोथ ऑफ यू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है मेमोरीज, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूजे से जो कनेक्टेड हो उसके लिए मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरीज मतलब कि भाई क्या मेमोरीज हो सकती है, मेमोरीज इज़ लाइक कि जो पल आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने शायद बहुत कुछ रोना धोना भी देखा होगा, शायद फिर वो अकेले में हो, लेकिन इसके लिए होगा ना, और किसके लिए। तो ये पल आपको और मजबूत बनाते हैं, यू नो व्हेन समबडी क्राइज, चाहे फिर आपने रोया है या फिर इस पर्सन ने रोया है, वो इस पर्सन को अंदर से मजबूत बनाता है, ठीक है। और इसलिए मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो, अगर हम कहें तो। नेक्स्ट कार्ड है वो स्पेशल ऑफर, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको फील हो रहा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, लेकिन ये पर्सन भी फील कर रहा है, मे भी शायद कुछ प्लान आउट कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ प्लानिंग चल रही है कि आपको या तो कुछ सरप्राइज दे, सरप्राइजिंग एलिमेंट, एंड मे बी इवन इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर तो शायद कुछ सरप्राइजेस आपको देने की कोशिश कर सकता है ये, यू नो। मैं भी आपके लिए कुछ स्पेशल ड्रेस मंगाया है जो सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं कि वो क्या है, या फिर कहीं ना कहीं वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं वगैरह, तो कुछ बहुत ही स्पेशल सी चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है केयर फ्री, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आई थिंक ये पर्सन केयर फ्री भी हो सकता है, ये मोस्टली उनके लिए रिलेट होगा कि जो लोग साथ में हैं या फिर जो लोग बहुत ही खुश हैं एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू नो। तो मतलब कोई चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, दिस पर्सन डजंट थिंक अबाउट इट, इसके मन में कोई चिंता नहीं डाल सकती, वो बस आने वाला पल एंड आया दिन एंजॉय करता है, उसको मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लॉन्ग ड्राइव, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ ही कार्ड रिजोनेट होगा वो शायद लॉन्ग ड्राइव प्रेफर कर सकते हैं, या फिर लंबी बातचीत हो सकती है, यू नो, कि अगर आप फ़ोन पे है तो शायद एक डेढ़ घंटा दो घंटे आप बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, जब तक कि आपका मन पूरी तरह से समाधान ना हो। रीडिंग आई होप इट विल रिजोनेट, थैंक यू।